हमारी जो चेतना है हमारे सोने के बाद भी वह जागृत रहती है, उसको अपने मन के रूप में कह सकते हैं। जैसे हमारा मन है तो हम तो सो जा, शरीर सो गया पर मन नहीं सोता, तो मन जो है वो घूमता रहता है और मन में पिछले कई जन्मों की बातें स्मरण में रहती हैं। उस चित्त में मन की चार स्थितियां हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इसको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। तो अंतःकरण चतुष्टय जो है वो मन का ही अलग अलग स्वरूप है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इनमें हमारे पूर्व के कई जन्मों की स्मृतियां पड़ी होती हैं जो हमारी बुद्धि में नहीं आती और हमें याद में नहीं रहती हैं। तो कभी कभी हम ऐसे दृश्य स्वप्न में देखते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं है, जहां हम कभी गए भी नहीं है, तो वो निश्चित तौर पर हमारे किसी पूर्व जन्म के कृत्य से उसका संबंध होता है। हमारे शरीर के शिथिल हो जाने अथवा सो जाने पर भी हमारी वो चेतना अथवा उसको मन कहा जाए वह जागृत रहती है और वो कहीं ना कहीं घूमता रहता है। तो वही स्वप्न दृष्टा है, वो देखता है कि कभी कहीं गए हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, अलग अलग तरह से वो स्वप्न देखता है। इसका वैज्ञानिक कारण तो नहीं समझ में आता, इसका यही है कि बस हमारा मन जो विचार करता है, चिंतन करता है अथवा पिछली जो बातें हैं वही हमारे स्वप्न में आती हैं। पर हाँ, सुस्वप्न और कुस्वप्न यह बात हमारे शास्त्रों में है। जैसे त्रिजटा ने स्वप्न सुनाया, त्रिजटा ने जानकी जी को स्वप्न सुनाया कि नहीं कि मैंने स्वप्न देखा कि सपने में एक बानर आया है, सपने हु बानर लंका जारी, जादू धान सेना सब मारी, तो वो स्वप्न सच हुआ। उसी प्रकार भरत जी जब ननिहाल में है तो वहां स्वप्न देखे हैं, देखते हैं देखें रात भयंकर सपना, तो भरत जी वहां स्वप्न देख रहे हैं कि अयोध्या में कोई अप्रिय घटना घटी है। तो वास्तविक जीवन से भी स्वप्नों का बहुत बड़ा संबंध होता है। यदि जीवन में कभी आपको दुस्वप्न आए तो क्या करना चाहिए? मान लीजिए खराब स्वप्न आया, आपको लग रहा है इससे तो अनिष्ट हो जाएगा, तो उसके निवारण क्या है? उसका निवारण है भगवान शंकर की पूजा और रुद्राभिषेक। देखें रात भयंकर सपना, जब भरत जी ने स्वप्न देखे तो क्या किया? शिव अभिषेक करहीं विधि नाना और विप्र जीवाएं दें बहु दाना। तो आपने दुस्वप्न देखा तो दुस्वप्न की निवृत्ति के लिए पहला तो भगवान शंकर की पूजा और रुद्राभिषेक करें, ब्राह्मण भोज कराएं और साथ में कुछ दान दें जिससे कि दुस्वप्न का दोष नाश हो जाए।